नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंद 24 टीवी में। जौनपुर में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाया गया। इसे सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चूक मानते हुए दो दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए, जबकि काला झंडा दिखाने के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर काफिले के साथ निकल रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों के बीच से एक युवक तेजी से बाहर की ओर निकला और काला झंडा दिखाया। इस पर कुछ दूरी पर खड़े सुरक्षाकर्मी दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी आशीष कुमार यादव उर्फ मुलायम निवासी ढेमा थाना बदलापुर अपने साथी सर्वेश यादव निवासी ग्राम सिरवा के साथ पहुंचा था। वहां मीडिया कवरेज के नाम पर खड़ा था। जब सीएम का काफिला गुजर रहा था तभी वह जेब से काले पन्ने निकालकर लहराने लगा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाइक और मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने लापरवाही बरतने के आरोप में मेडिकल कॉलेज के पास तैनात 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इसमें 2 उपनिरीक्षक इंद्रजीत यादव व मनोज पांडे के अलावा सिपाही राजू चौहान, सूरज सोनकर, शेषनाथ चौहान, अभिषेक यादव, सुनील कुमार यादव व जयराम शामिल थे। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आपका अपना चैनल हिंद 24 टीवी। क्या नाम है आपका? आशीष मुलायम छात्र ने यहाँ क्या किया? मैंने वर्तमान मुख्यमंत्री का विरोध किया जो श्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में बना। चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सालय का उद्घाटन करने आए थे, निरीक्षण करने आए थे, उसी का मैं विरोध किया। अच्छा, झंडे दिखाए काले सीएम को? विरोध करके दूसरे घर में जाएंगे, पूछिए। ये विरोध करके आप कहाँ चले गए थे? पूछा जाए क्या? और पाप नहीं, हम किसी बाहर नहीं गए थे, हम यहाँ से भाग रहे थे। आशीष मुलायम छात्र नेता माधर का दूसरे घर में गुजरे हो? ठीक है सर, जाइए। आपकी मुख्य धर्म नहीं, जिसे लोग तांत्रिक में अपना विरोध किया हूँ।